जिला विकास परिषद डीडीसी चुनाव के नतीजे जरूर हैं, लेकिन अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद है और इसीलिए पूरे देश की नजर है, कांटे की टक्कर है। लेकिन अभी तक के शुरुआती रुझानों के मुताबिक, अब शुरुआती नहीं आप कह सकते हैं, काफी सीटों के आ चुके हैं जिसमें 62 पर गुपकार आगे है, लेकिन नंबर 1 की पोजिशन पर अभी बीजेपी है। 66 सीटों पर रुझानों के मुताबिक आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस 25 पर, वहीं निर्दलियों का आंकड़ा सबसे ज्यादा है, 70 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। कुल 280 सीटें हैं, कांग्रेस को 25 सीटों पर बढ़त है, 70 सीटों पर निर्दलीय को है। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव के परिणामों में आप देख रहे हैं और अब हम आपको कुछ नतीजे बता देते हैं। बीजेपी सबसे ज्यादा उत्साहित है क्योंकि कश्मीर घाटी में, श्रीनगर में, वलहामा में बीजेपी का खाता खुल गया है, जीत घोषित हो गई है एजाज हुसैन की। युवा मोर्चा के भी वहां पर अध्यक्ष हैं, गुपकार के 3, कांग्रेस के 1 प्रत्याशी की जीत हुई है। अब तक 7 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जीत दर्ज कर ली है। जो जीत का आंकड़ा आ गया है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में ये परिणाम है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से प्रेम शुक्ला जी आपके पास आते हुए, अभी भी लेकिन घाटी में बहुत लंबी दूरी तय करनी है। देखिए अंजना जी, घाटी में भी स्थिति देखिए कि जैसे हमारे रविंद्र राणा जी ने बताया, हमारे 4 प्रत्याशी आगे खुद चल रहे हैं और 24 जिनको हमने समर्थन दिया है, यानी जम्मू एवं कश्मीर में कुल मिलाकर 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस को बढ़त है। गुपकार अलायंस जो है कुल मिलाकर 62 सीटों पर बढ़त बनाती है और ये 370 में संशोधन के बाद है। जब कहा जा रहा था 370 संशोधित कर दिया जाएगा तो जम्मू कश्मीर में कोई जो है तिरंगा उठाने वाला कंधा नहीं मिलेगा, वहां पर भारत माता की जय के नारे लगते हैं, अनंतनाग में आदरणीय शाहनवाज हुसैन जी की सफल सभा होती है, आतंकवाद के गढ़ में घुसकर सभा होती है। तो ये सारे संकेत स्पष्ट तौर पर दिखा रहे हैं कि अनुच्छेद 370 के संशोधन के बावजूद जम्मू एवं कश्मीर की जनता पूरी तरह से विकास के साथ खड़ी है, लोकतंत्र में उसने विश्वास व्यक्त किया है, जिहाद। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, जिसे आप गुपकार गैंग बोलते रहे, जिसे आप गुपकार गैंग बोलते रहे, आज 62 सीटों पर बढ़त के साथ उसने आपको गुपकार अलायंस बोलने पर मजबूर कर दिया ना? नहीं, लेकिन उस गुपकार गैंग से भी देखिए, हमारी जो जब घाटी में कहते थे कि भाजपा का पत्ता नहीं चलेगा, वहां पर अगर 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को बढ़त है तो ये क्या संकेत दे रहा है? ठीक है, माजी भाई जी, संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी घाटी में भी अपने पैर पसारने में कामयाब है। पैर पसारने में बीजेपी घाटी में कामयाब है कह रहे हैं वो, श्रीनगर में भी एक जीत, एक सीट हासिल करना बलहामा का एजाज हुसैन द्वारा, क्या कहेंगे आप इस पर? हाइदी जी, उल्टी हो गई सब तकदीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी तन ने आखिर काम तमाम किया। इस बात में कोई शक नहीं, शाहनवाज हुसैन भाई ने बहुत कोशिश की जम्मू कश्मीर में, बिलखसूस कश्मीर में इस दफा चुनाव के लिए प्रचार की, ऐसा प्रचार किया कि शायद ही और किसी पार्टी ने इतनी मेहनत की हो। कश्मीर में कुपवाड़ा नॉर्थ कश्मीर से लेके कुलगाम साउथ कश्मीर तक हमने इनको हर जगह देखा शाहनवाज साहब को। लेकिन बात यह है कि जिस देश का किसान खुश नहीं हो वहां कमल नहीं खिलता। अब बात आप कर रहे थे गुपकार गैंग की, अगर गुपकार गैंग है तो क्या इस देश का आज लोकतंत्र गुपकार गैंग के साथ है? क्या इस देश का जनादेश जो है वो गुपकार गैंग के साथ है? ये बात का जवाब आप दें। आज पता चलता है कि 2.5 वर्षों से भाजपा डायरेक्टली कंट्रोल कर रही है जम्मू कश्मीर को और भाजपा हार चुकी है। जनादेश इस देश का ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी से पीछे साफ है, ये देश के किसानों ने, कश्मीरियों ने, मुसलमानों ने, बाकी माइनॉरिटीज ने आज ललकारा है भाजपा को कि आप हार चुके हो और इंशाल्लाह बाकी देश में भी अब ऐसी ही हार होगी जैसे आज आपकी जम्मू कश्मीर में हुई है। हार के बाद आप चीख रहे, चिल्ला रहे भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को 90 सीटें। अरे और तो जम्मू में भी जीत रहे, जम्मू में जो आप बोलते हैं, जम्मू में तो राजीव हाइद्री कहाँ चल रहा है आज? तो मेरे जम्मू का डोगरा भाई आपसे नाराज है भैया। राजीव हाइद्री, एक सवाल है, एक सवाल है, आपसे नाराज है, एक सवाल है माजिद हैदरी, माजिद हैदरी, एक सवाल है भाजपा को आज, माजिद हैदरी कश्मीर के लिए पिछले 6 वर्षों में, माजिद हैदरी, लेकिन आप भी तो एक सेकेंड, आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं उसमें कुछ भी अचरज की बात नहीं है, लेकिन क्या आप गुपकार अलायंस के साथ हैं? क्योंकि आप भी तो कहते हैं मौका परस्ती की राजनीति की है इन तमाम पार्टियों ने, इसी पीडीपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया था, आज घाटी में जाइए तो पीडीपी के खिलाफ भी वही गुस्सा दिखता है। किसी अब्दुल्ला या मुफ्ती का समर्थन नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा। मैं इस चीज पर खुश हूं कि भाजपा को हराया गया है, भले ही वो गुपकार के नाम पे हराया हो।
अरे अगर आपको खुश इस बात पर होना चाहिए कि लोकतंत्र में इतने लोगों ने अपनी आस्था जताई है, इतने लोग वोट करने के लिए निकले हैं। किसान भाइयों के साथ नहीं है वो किसी की नहीं हो सकती। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।